सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ सैम और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 रीजंस कि क्यों एपेक्स लेजेंड्स एक बेस्ट बैटल रॉयल गेम है। और देखो, इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाने में मेरा बस एक ही गोल है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम के बारे में पता चले। और बाकी कंट्रीज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया में इसका क्रेज बहुत अलग लेवल तक पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों को इसी टाइप की वीडियोस पसंद आते, तो इसलिए मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ। और यहाँ पे टेंशन बिल्कुल मत लेना कि मतलब मैंने जो पिछले वीडियो में पॉइंट्स बताए वही मैं इसमें दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बनाने का पॉइंट ही क्या हुआ। तो अगर बातें ज्यादा हो गई तो आप बिना और ज्यादा वक्त लिए चले आज की वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, आपने एपेक्स लेजेंड्स मतलब बहुत पहले से जान रहे हो तो आपको पता रहेगा एपेक्स लेजेंड्स का पिंग सिस्टम बहुत ही कमाल का है। और जिनको नहीं पता था उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका पिंग सिस्टम इतना आसान है और कमाल का है ना कि अगर आप उस टाइप के प्लेयर हो कि जो कि मतलब माइक बंद करके खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ टीममेट के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, तो ये फीचर आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है। क्योंकि आपने जो भी लेजेंड सिलेक्ट किया रहेगा ना, और उसको यूज करते हो, आप किसी भी चीज को पिंग करते हो, जैसे कि आपको कोई गन मिल गई तो आपने उसको मार्क कर दिया अपने टीममेट के लिए, या फिर मेट्स वगैरह मिल गए, या फिर आपको एनिमी दूर का स्पॉट हो गया तो आपने उनको पिंग कर दिया, तो आपका लेजेंड बात करके बताएगा कि एनिमी स्पॉटेड वगैरह। अब देखो, ये फीचर हमें पबजी मोबाइल में भी देखने को मिलता था और सीओडी मोबाइल में भी देखने को मिलता है, लेकिन एपेक्स लेजेंड्स का पिंग सिस्टम बहुत इंप्रोवाइज्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि एपेक्स लेजेंड्स के पिंग सिस्टम की मदद से कम्युनिकेट करना बहुत ईजी हो जाता है। सो अगर आप रैंडम्स के साथ खेल रहे हो और अगर रैंडम्स भी आपके साथ बात नहीं कर रहे, फिर भी यार आप एक दूसरे को समझ पाओगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हो और आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे हमें सेकंड रीजन में हमें देखने को मिलते हैं एकदम नाक के बराबर की कैंपिंग। और एक चीज़ यार मुझे बताओ यार, एपेक्स में कैंपिंग करके आप क्या प्राप्त करना चाहोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये गेम फास्ट पेस है, जोन्स जल्दी क्लोज होते हैं और ऊपर से एनिमीज तो रुकने का नाम लेते ही नहीं है। और अगर आपने किसी घर में कैंप भी कर लिया तो ये पबजी मोबाइल थोड़ी है कि मतलब स्क्वाड ने 2-3 गाड़ियां लेके मतलब कैंपस को ढूंढने निकल पड़े पूरे मैप में, क्योंकि देखो एपेक्स लेजेंड्स में व्हीकल्स है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे पीसी वर्जन में अभी अभी आया है, वो अलग बात है, मैं यहाँ पे मोबाइल वर्जन की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें व्हीकल देखने को नहीं मिलने वाली। और अगर आपने फिर भी ऐसी कोई जगह ढूंढ ली कैंपिंग के लिए, फिर भी यार लेजेंड्स की एबिलिटीज तो है आपको एक्सपोज करने के लिए, तो आप उन चीजों से कैसे बच पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आप होल्डिंग करने की बात कर रहे हो तो मतलब वो एक अलग चीज है। होल्डिंग और कैंपिंग में जमीन आसमान का फर्क रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों कैंपर्स खुद को होल्ड कर रहे थे ऐसा बोल के बात घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ हमारा जो तीसरा रीजन है वो अनफॉर्चुनेटली हमें मोबाइल वर्जन में देखने को नहीं मिलने वाला, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है डेडिकेटेड। और हाँ, मैं टीपीपी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीपीपी की मुझे बस एक ही बात बुरी लगती है, हम खुद कवर में रहकर एनिमीज को देख सकते हैं, वही सबसे बुरी बात है टीपीपी की। और एक गेम ओरिजिनली एफपीपी रहने की वजह से ना टीपीपी का डर रहता था, ना कैंपस का ज्यादा डर देखने को हमें मिलता था, लेकिन अब ये मोबाइल वर्जन में आने वाला है तो मतलब आप समझदार हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यार देखो, एफपीपी में यार रियल फील आती है। और अगर तुम्हें एफपीपी पसंद नहीं और तुम टीपीपी प्लेयर हो तो सीधा हेट कमेंट करने से पहले यार मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें टीपीपी पसंद है और तुम सही हो मेरे भाई, और इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट रीजन है वो है रिस्पॉन के रिलेटेड। अब देखो, यहाँ पे सीओडी मोबाइल वाले बोलेंगे कि यार ये मोड हमारे इसमें पहले आया था, फिर यहाँ पे पबजी प्लेयर्स बोलेंगे कि नहीं यार ये मोड हमारे इसमें पहले आया था, लेकिन डीप डाउन अंदर हम सब एपेक्स लेजेंड्स फैंस को पता है कि रिस्पॉन का फीचर सबसे पहले एपेक्स में आया था। और मुझे तो देखो यहाँ पे एक बात ऐसी लगती है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये जब गेम बन रही थी एपेक्स लेजेंड्स पीसी वाली वर्जन, तो शायद से इन्होंने मतलब जितने भी कमियां थी बैटल रॉयल गेम्स में उन्हीं को नजर में रखते हुए ये गेम बनाई है और एक कमाल का मास्टरपीस बनाया है हमारे। तो अगर अपने फाइट करते हुए गलती से अगर एनिमी ने आपको पूरा फिनिश ही कर दिया, पूरा स्प्रे आपके ऊपर डाल दिया, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारा टीममेट सच्चा दोस्त हो और रैंडम ना निकले और उसी के साथ अगर उसका दिन अच्छा हो तो वो तुम्हें रिवाइव कर लेगा, और अगर ये नहीं होता तो तुम एग्जिट करके नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है परफेक्ट टीम मेंबर काउंट, जो कि मुझे सबसे बढ़िया लगता है। क्योंकि देखो, सोलो गेम में एक अलग लेवल का ही मजा रहता है, जो भी करना है खुद के दम पे करना है, किसी की रिवाइव की जरूरत नहीं, ना किसी को रिवाइव करने की जरूरत। और यहाँ पे इसके बाद डुओ में जो दिक्कत हमें देखने को मिलती है, मतलब अगर अपना एक टीममेट नॉक है तो 1v2 की सिचुएशन हो जाती है, तो उसको पहले रिवाइव करे या फिर एनिमी से पहले फाइट ले, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम बात करें स्क्वाड की, तो देखो स्क्वाड में मेरे हिसाब से प्लेयर काउंट कुछ ज्यादा ही हो जाता है 4 प्लेयर्स का। और यहाँ पे बैटल रॉयल की नजर से देखे तो मतलब मुझे ट्रियो प्लेयर काउंट बैलेंस लगता है, और वैसे भी एक गेम जल्दी खत्म हो जाते तो इसमें ज्यादा प्लेयर काउंट भी हमें देखने को नहीं मिलता, बस 60 प्लेयर काउंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और अगर आपका ओपिनियन मेरे साथ मैच कर दे तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं समझ जाऊंगा कितने लोगों का ओपिनियन मेरे साथ मैच हो रहा है। और देखो यार, यहाँ पे मैं मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इसके स्टेबल वर्जन का लॉन्च होने का, ताकि यार मैं भी कुछ मतलब अपने पीरो गेम प्लेस डाल सकूं। लेकिन जब तक इसका स्टेबल वर्जन लॉन्च नहीं होता
तब तक तो मतलब कुछ अपडेट्स वगैरह आते थे उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। और अगर यहाँ पे मेरे से कोई मतलब चीज छूट गई है, अगर मैंने कुछ चीज मिस की है, तो प्लीज यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और यहाँ पे उसी के साथ अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सेफ रहना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।